Good morning, students. This is Hira sir. First of all, congratulations to all of you for promoting to the next class. Now, you are the student of Standard 4. And today, I am going to teach you SST, that is Social Studies for you. As I know that you don't have the book of SST, so first of all, I would like to show the book of SST. So students, this is the book of your SST. This book has been written by Pankaj Teotia. It means the writer of your book is Pankaj Teotia, and it has been published by Little Learners Publication. This book has been published by Little Learners Publication. Today we will study chapter 1, and the name of chapter 1 is The Face of Our Motherland. Once again, the name of our first chapter in SST is The Face of Our Motherland. With the help of board, we will come to know about this chapter. So, the name of our first chapter is The Face of Our Motherland. It means, हमें इस chapter के माध्यम से अपनी मातृभूमि के बारे में जानना है, अपने देश के बारे में जानना है. आज हम इस चैप्टर में अपने देश के बारे में पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर सो लकी दैट वी बॉर्न हियर. हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा देश, सॉरी हमारा जन्म इस देश में हुआ है. पता है क्यों? भगवान राम जिनका जन्म इसी देश में हुआ था, अयोध्या में. माँ सीता जिनका जन्म भी इसी देश में हुआ था. मैं आपको बता दूं कि जिस जगह से हम लोग हैं, जिस जिला से हम लोग हैं, वहीं पे माँ सीता का जन्म हुआ था. हमारे देश के उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी है, वहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था. न केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी भाग्यशाली हैं, बल्कि इसके साथ साथ इतना ही नहीं, बल्कि हमें इस देश में हर ऋतुओं का आनंद लेने का मौका मिलता है. जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बसंत हो, हर ऋतुओं का हमें आनंद लेने का मौका मिलता है. इसी के इतना ही नहीं, बल्कि इसी के साथ साथ हर तरह के फेस्टिवल्स को भी हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं. चाहे वो किसी हिंदू का फेस्टिवल हो, मुस्लिम का फेस्टिवल हो, चाहे ईसाई का फेस्टिवल हो, हम सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. हम सभी धर्म के प्रति लड़ते नहीं, बल्कि आपस में मिलकर रहते हैं और साथ में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. इसलिए हम सभी बहुत लकी है. इसके साथ साथ प्रोसीड करते हुए हम चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं और इसकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं. चैप्टर 1 में और भी डिटेल में हम अपने देश के बारे में जानेंगे. मैं आपको जैसा कि बताया कि हम लोग बहुत लकी है कि हमारा जन्म इस देश में हुआ है. हमारा देश दुनिया के तमाम देशों से, अगर हम कहें कि हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई कोताही नहीं होगी, क्योंकि हर चीज यहाँ पे पाई जाती है. सो सी हेयर, इंडिया इज अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री. हमारा देश बहुत बड़ा तो है, लेकिन इसके साथ साथ सुंदर भी है. मैं आपको बता दूं कि हमारा देश पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें पोजीशन पर है. इन द टर्म्स ऑफ एरिया आवर कंट्री कम्स इन द 7th पोजीशन, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट कम्स इन द 2nd पोजीशन. अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है. फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा देश क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया में 7वें स्थान पर आता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है. हमारा देश बहुत बड़ा है. यहां मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. हम इस देश के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो हमारे पड़ोसी देश इस प्रकार हैं. हमारे पड़ोसी देश हैं, अर्थात भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स,
म्यांमार और बांग्लादेश, ये इसके पड़ोसी देश है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।